सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर गूंज की शुरुआत करनी है। दिल्ली से बहुत दूर उस आखिरी छोर पर हिंदुस्तान के मैप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है। आज तारीख क्या है? 31 मई। आपको इस तारीख का महत्व पता है? आज से ठीक 131 साल पहले स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाषण देने के लिए शिकागो रवाना हुए थे और पूरी दुनिया को उन्होंने अपने भाषण से प्रभावित किया था। दिल्ली से 2,850 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी जगह पर ध्यान लगाया जहां पर स्वामी विवेकानंद, इनफैक्ट वो अभी भी ध्यान में लीन है जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ध्यान वहां पर लगाया जा रहा है। शांति, मौन, मौन जिसे कहते हैं ना आप, एकदम शांत हो जाते हैं ध्यान में, वो सब वहां पर मौजूद है कन्याकुमारी में। लेकिन हंगामा दिल्ली, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश में मच गया है। 76 दिन के जबरदस्त चुनाव प्रचार के बाद भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन 7वें चरण की वोटिंग से एक दिन पहले विपक्ष परेशान है। विपक्ष का आरोप है कि पीएम के इस ध्यान का मीडिया में प्रसारण हो रहा है, जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है। सवाल बड़ा है, सुनिए आरोप को पहले। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए। सुना है परिणाम आने से पहले ही दूर चले गए हैं, कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। एक व्यक्ति देश चलाने वाला जाकर के किसी विवेकानंद रॉक के अंदर बैठकर अगर वो ध्यान करके करता है तो एक शो है। वहाँ पर 10-12 कैमरेज की जरूरत है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूँ बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी हैं और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? ये ध्यान के नाम पर परमात्मा के साथ भी मैं समझता हूँ कि एक तरह से खेल खेल रहे हैं, उचित नहीं है सर। अरे उसी ध्यान को आप भी आकर्षित कर लेते, किसी ने रोका था? लोकतंत्र नियमों से चलता है ना, आरोपों से नहीं चलता है। और नियम क्या कहते हैं आज मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ। इनफैक्ट मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जिसका जिक्र कर रहे हैं उसमें क्या कहा गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 126(1) के मुताबिक चुनाव से 48 घंटे के भीतर कोई सार्वजनिक बैठक जो है वो करना या फिर जुलूस निकालना मना है। सिनेमा, टेलीविजन, बाकी उपकरणों के माध्यम से जनता के समक्ष कोई चुनावी संबंध सामग्री प्रदर्शित करना वो एकदम मना है। किसी मतदान क्षेत्र में वोटिंग से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान जनता को अट्रैक्ट करने के इरादे से कोई संगीत समारोह या नाट्य प्रदर्शन करना मना है। अब बीजेपी इसी कानून को मुद्दा बनाकर ये कह रही है कि तमिलनाडु या कन्याकुमारी में तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, पीएम मोदी ना मीडिया से बात कर रहे हैं, ना इंटरव्यू दे रहे हैं, ना चुनाव चिन्ह दिखा रहे हैं, फिर ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन कैसे हुआ? खैर ये तो रही सियासी बातें, लेकिन पीएम के ध्यान में जाने का संदेश क्या है? सनातन में ध्यान को आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक साधन माना जाता है, मत भूलिएगा। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान को लेकर क्या कहा था आज मैं वो भी आपको बता देना चाहती हूं। ध्यान में एक क्षण के लिए तुम इस प्रकृति को बदल सकते हो। यदि तुम में ये शक्ति आ जाती है तो क्या वो स्वर्ग या मुक्ति नहीं होगी? यही ध्यान की शक्ति है। ये मैं नहीं कह रही, स्वामी विवेकानंद का संदेश। पीएम मोदी जिस जगह गए हैं उस जगह के बारे में भी आप समझ लीजिए, ये वो जगह है जिसने नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद बनाया था। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी के मिलान वाली इस जगह पर 3 दिनों के ध्यान के बाद ही विवेकानंद ने
एक भारत, विकसित भारत की कल्पना की थी, उस पर जोर दिया था। और इसीलिए पीएम मोदी को जब 205 से अधिक पब्लिक मीटिंग्स के बाद फुर्सत के कुछ पल मिले तो भारत के सुदूर दक्षिण में एकांत में 48 घंटे खुद के साथ बिताने का फैसला किया। वैसे भारत की संस्कृति कहती है कि जब हम जिंदगी के एक नए फेज में एंटर करने वाले होते हैं, जाने वाले होते हैं, तो उससे पहले खुद को समझना बहुत जरूरी होता है। आत्ममंथन, आत्मचिंतन, आगे की चुनौतियों के लिए तैयार होना, और इसीलिए एकांत में बैठकर आप साधना के माध्यम से खुद को रिजुविनेट कर सकते हैं, हिंदी में कहें तो तरोताजा कर सकते हैं। ये ध्यान की बात है, लेकिन पीएम मोदी के इस ध्यान से विपक्ष में कोहराम क्यों है? आज गूंज में चर्चा इसी बात पर। सवाल आपके सामने रख दे रही हूं। पहला सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि पीएम के ध्यान से विपक्ष क्यों इस वक्त बेचैन नजर आ रहा है? क्या पीएम की तस्वीर दिखा देने भर से वोट पर असर पड़ जाएगा, और वो भी तब जब वो कुछ नहीं कह रहे हैं? क्या विपक्ष पीएम की यात्रा को तूल देकर इसे और बड़ा मुद्दा नहीं बना रहा है? इन सवालों का जवाब देने के लिए शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लगातार चुनावों में अलग अलग इलाकों का दौरा करते रहे हैं। इनफैक्ट अभी बनारस में थे अगर मैं गलत नहीं हूं तो। स्क्रीन पर आपको राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा भी नजर आ रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी हैं, और मैं स्टूडियो में आमंत्रित करना चाहूंगी शहजाद पुनावाला को जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पुनावाला, प्रधानमंत्री वहां पर मौन है, विपक्ष कह रहा है आप लोग सिर्फ कैमरा जीवी हैं, जहां जाते हैं कैमरा लेकर जाते हैं, और आप इससे चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं। कुछ लोगों को चाहिए मेडिकेशन, क्योंकि इनका यह बन चुका है फ्रस्ट्रेशन। और सनातन विरोध में उतरते उतरते राम मंदिर बेकार है, सनातन समाप्त हो जाए, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो है आरएसएस बीजेपी इवेंट है, कहते कहते अब कोई सनातनी, कोई हिंदू अगर वो अपनी आस्था के अनुसार, किसी की आस्था बैंकॉक में वो बैंकॉक जाकर मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोगों की आस्था देश के अंदर है तो देश के अंदर जाकर सनातन के केंद्र में जाकर वो ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं, तो अब एक फतवा जारी करना चाहती है कांग्रेस पार्टी की वहाँ पर भी ना जाए, आस्था के अनुसार साधना भी ना करे। मैं सिर्फ उतना पूछना चाहता हूँ कौन से प्रोविजन का एमसीसी का वायलेशन हो रहा है? वो प्रचार नहीं कर रहे, प्रसार नहीं कर रहे, कैमरा लेकर खुद नहीं गए हैं वहाँ पर, ना किसी से बात कर रहे हैं। हाँ, अगर वायलेशन हुआ है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 26 तारीख को वायनाड का चुनाव था जिसमें राहुल गांधी कंटेस्ट कर रहे थे, उसी दिन पर जब वो प्रत्याशी थे वो कर्नाटका में बगल में रैली कर रहे थे और उसको पूरी मीडिया ने कवर किया। ये होता है एमसीसी का वायलेशन जिस पर कांग्रेस पार्टी मौन क्यों है? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल और केवल हिंदू विरोध में उतरते उतरते, और इनका तो पुराना इतिहास है, आपको पता है ये जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, जब इसको बनाने की बात हुई और जिसमें रानडे जी ने बहुत बड़ा एक योगदान दिया, उसका विरोध करने वाले तमिलनाडु के उस समय के चीफ मिनिस्टर और हुमायूं कबीर जो कि कल्चरल मिनिस्टर थे, उन्होंने उसका विरोध किया और आज भी विरोध करते हैं। इसलिए विवेकानंद के भगवे से भी इनको नफरत।